नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, खबर रायपुर से है जहां सीएम आवास में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही सीएम कैबिनेट में कार्य योजना पर रणनीति बनाने का प्लान है। अब देखना यह है कि इस कैबिनेट बैठक में कौन कौन से अहम मुद्दों पर मुहर लग सकती है। तो सीएम विष्णुदेव साय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। अहम मुद्दों पर मुहर भी लग सकती है इस कैबिनेट बैठक में। तो साय कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय अध्यक्षता कर रहे हैं इस बैठक की और बैठक लगातार जारी है। अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, कई मुद्दों पर जो कि जनता के लिए अहम है उस पर भी इस बार मुहर लग सकती है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक अब शुरू हो गई है। साय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में यह बैठक शुरू की गई है। इसमें कई मुद्दों पर मंत्रियों से चर्चा कर सकते हैं सीएम विष्णुदेव साय और कई अहम मुद्दों पर मुहर भी लग सकती है। कई मुद्दों पर चर्चा जारी है, क्या कुछ वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है, हमारे संवाददाता जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले नगर निकाय चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है, ये भी बातें सामने आ रही है। वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी मंथन किया जा सकता है। इस बैठक में प्रत्याशी को लेकर बातचीत की जा सकती है सांसद से। तो कई अहम मुद्दों पर मुहर भी लग सकती है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा जारी है लगातार। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अध्यक्षता कर रहे हैं इस बैठक की और लगातार इस बैठक से क्या वो तमाम जानकारी निकलकर सामने आएगी हमारे संवाददाता से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि बैठक में नगरीय निकाय चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। मनोज, बैठक लगातार जारी है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक शुरू भी हो गई है, क्या कुछ बैठक को लेकर अधिक जानकारी मिल रही है? जी, आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो गई है। अब से कुछ ही देर हुआ है बैठक शुरू होने में और ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि सामने 15 अगस्त है और साथ ही साथ मोदी की गारंटी को लेकर जो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार कई वादे पूरी करती जा रही है उसको भी लेकर आज इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसले और भी कुछ हो सकते हैं। और साथ ही साथ इस समय बरसात का सीजन चल रहा है, खेती किसानी का समय है, ऐसे में किसानों के लिए भी कुछ बड़ी सौगात जो है इस बैठक में सामने निकल कर आ सकती है। और इसके साथ ही साथ तहसीलदारों और पटवारियों की जो अभी हड़ताल थी उसको लेकर कुछ सरकार से उन लोगों की मांगों के लेकर जो भुजिया आयत का मामला है जिससे आए दिन हितग्राहियों से तहसीलदारों से पटवारियों से टूटू में हुआ करती है अपनी जमीन जायदाद के प्रकरणों को लेकर, तो इन सब चीजों को लेकर भी आज इस कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले सामने निकल कर आ सकते हैं। जी, नगर निकाय चुनाव को लेकर भी बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, नगरीय निकाय चुनाव है। जी जी, तो उसके संदर्भ में और जो यहाँ पर उपचुनाव होने हैं दक्षिण विधानसभा सीट को लेकर उसपे भी आज इसीलिए ये बैठक जो आज की है ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और सबसे बड़ी बात सामने 15 अगस्त है, उस पर वह 15 अगस्त के दिन क्या घोषणा करनी है सरकार को उस पर भी लेकर अहम बैठक में ये सब बातें फैसले आज हो सकते हैं। 15 अगस्त को लेकर मनोज जी क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या कुछ सरकार व्यवस्था कर रही है? जी श्रुति, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी द्वारा जो है यहाँ पर काफी कुछ देखने को मिल रहा है, जैसे जो है ये तिरंगा झंडा यात्रा निकालने की बात सामने निकल कर आ रही है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, जिस सुरक्षा व्यवस्था निश्चित रूप से चाक चौबंद देखने को मिलेगी। इसके लिए प्रशासन लगातार जो है बैठके भी कर रहा है और बीजेपी की भी बैठके लगातार जारी है कि तिरंगा यात्रा को कैसे सफल बनाया जाए। जी,
दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी बातचीत हो सकती है, प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। किस प्रत्याशी के नाम पर चर्चा होगी, किन लोगों का नाम शामिल हो सकता है इस चर्चा में? बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दूं कि मोहन अग्रवाल यहाँ दक्षिण के विधायक थे और वो सांसदी का चुनाव लड़के इस समय वो सांसद बन चुके हैं। तो ऐसे में दक्षिण विधानसभा सीट खाली है और बीजेपी की प्रतिष्ठा बड़ी सीट है। वो आपको बता दूं कि बीजेपी इस दक्षिण विधानसभा सीट से कभी भी चुनाव नहीं हारी है। ऐसे मोहन अग्रवाल यहाँ से 8 बार बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, तो ऐसे में बीजेपी के लिए काफी प्रतिष्ठा भरी सीट मानी जाती है। तो निश्चित रूप से इस कैबिनेट की बैठक में उसके लिए भी प्रस्ताव कुछ पास हो सकते हैं कि जिसको चुनाव लड़ा गया नामों के कुछ सहमति बन सकती है, ऐसा माना जा रहा है। बिल्कुल मनोज, अहम है ये चुनाव भी, और बैठक में क्या कुछ चर्चाओं पर मुहर लगती है, किस मुद्दों पर मुहर लगती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप निगाह बनाए रखिए और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब खबर रायपुर से है, जहां 11 अगस्त से बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान शुरू होगा, जिसके तहत प्रदेश भर में 12 लाख झंडे बांटे जाएंगे। साथ ही 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस भी मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में 12 लाख तिरंगा झंडे बांटने की घोषणा की है। इस दौरान बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा है कि इस देशव्यापी कार्यक्रम को लेकर की गई बैठक में संकल्प लिया गया है कि छत्तीसगढ़ इस अभियान में अग्रणी भूमिका निभाएगी। खबरें बढ़ते आगे, धमतरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, पीएससी घोटाले को लेकर बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पीएससी घोटाले को लेकर सीबीआई का छापा, पूर्व अध्यक्ष तामन सोनवानी के घर पहुंची है सीबीआई। सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की है। बिरेझर थाना क्षेत्र के सरबदा गांव में कार्रवाई जारी है। तो इस वक्त की अहम जानकारी, सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की है। बिरझेर थाना क्षेत्र के सरबदा गांव में कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम लगातार वहां मौजूद है। पीएससी घोटाले को लेकर सीबीआई का छापा। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मनोज शुक्ला रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। मनोज, छापेमारी को लेकर क्या कुछ बड़ी जानकारी सामने आ रही है? जी, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने 2022 में पीसीसी की जांच को लेकर काफी सवाल उठ रहे थे, जो उसने पेपर में गड़बड़ी की बात सामने निकल कर आ रही थी, ऐसा जो है आरोप लगाया जा रहा है। कई सालों से ये मैटर चल रहा है, जिसको लेकर बीजेपी ने अपने विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में ये बातें कही थी कि अगर हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है तो हम पीसीसी की जांच कराएंगे। जो भी परीक्षा हुई है जिसमें धांधली हुई है, लोगों का आरोप था कि इसमें जो है अधिकारियों के बच्चों का नाम आ गया है, उनके रिश्तेदारों को जो है अधिकारी बना दिया गया है, तो तमाम बातें सामने निकल कर आई थी। उसी के तहत ये कार्रवाई अब सीबीआई की भी एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। सीबीआई की एंट्री से पहले इसकी जांच स्थिति और जो है ये डब्ल्यू कर रही थी, तो इसी के तहत आज से अब सीबीआई इसकी बराबर जो है इसका क्लियर कर दिया। और सिर्फ एक ही जगह नहीं, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जो है इस समय जो है ये सीबीआई की रेड इस समय जारी है, और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें जो है शाम तक बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। जी, छापेमारी में अभी तक के क्या कुछ दस्तावेज मिले हैं मनोज? कुछ सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि बिलासपुर में भी छापेमारी जो चल रही है, कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला जी जिनके बच्चे का चयन जो है स्वप्निल शुक्ला का हुआ था डिप्टी कलेक्टर के पद पर, उनके यहाँ से कुछ कागजात जो है सीबीआई ने बरामद किया हुआ है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी जांच चल रही है सभी की जगहों पे। और सिर्फ बिलासपुर की बात न करें, बिलासपुर, धमतरी, रायपुर, दुर्ग, भिलाई में भी जांचें अभी चल रही है और सीबीआई की 10 से 15 टीम जो है इस मामले में खंगाल रही है पूरे उनके आवासों पे पहुंच के। जी,
बिल्कुल मनोज, लगातार कार्रवाई तो जारी है, दस्तावेज बरामद करने की कोशिश है, क्या कुछ बरामद हुए हैं छापेमारी में आगे पता चलेगा, लेकिन सीबीआई की एंट्री हो गई इस घोटाले में, तो अब जांच किस तरफ रुख करेगा मनोज? श्रुति आपको बता दूं श्रुति की निश्चित रूप से जिस तरह से ये पीसीसी घोटाले की बड़ी जांच जो है सामने निकल कर आ रही है और लगातार कई पूर्व आईएएस अधिकारियों के घर पे और सोमन सिंह सोनवानी की बात करें तो वो जो पीसीसी के यहाँ पे टीम रह चुके हैं तो उनके घर में भी छापेमारी चल रही है। निश्चित रूप से शाम तक कुछ बड़े खुलासों का अंदेशा लगाया जा सकता है, इस मामले में बड़ी सफलता सीबीआई को मिल सकती है। जी जो अध्यक्ष हैं तामन सिंह सोनवानी, उनके करीबी दर्जन भर करीबी हैं जो वरिष्ठ पद पर अभी हैं वर्तमान में, कोई डिप्टी कलेक्टर है, तो ऐसे में उन पर जांच भी की जा रही है, किन किन का नाम शामिल सामने आ रहा है मनोज? जी आपको बता दूं कि पीसीसी जो ये पीएससी के चीफ थे जो सोमन सिंह सोनवानी, उनके करीबी कई लोगों को उनकी बच्ची का भी नाम सामने कर आया था और साथ ही साथ आपके वहाँ के जो इससे लोक सेवा आयोग के जो सचिव थे ध्रुव जी, उनके भी घर के लोगों का नाम इसमें शामिल है। कुछ पूर्व अधिकारी थे जो उनके भी बच्चों का नाम इसे रिश्तेदारों का नाम शामिल है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि आज सीबीआई को काफी कुछ जो है शाम तक जो है जो अभी जांच चल रही है इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन शाम तक सीबीआई के हाथ में कुछ बड़े दस्तावेज जो है लगने की संभावना दिख रही थी। इस हिसाब से जांच चल रही, कई जिलों में जांच चल रही है और कई ठिकानों पे जो है सीबीआई लगातार अभी आज क्या मनोज क्या आज ही जांच खत्म हो जाएगी, छापेमारी आज ही खत्म हो जाएगी या सीबीआई आगे भी जांच करती रहेगी, छापेमारी एक दो दिन और देखने को मिल सकती है, क्या कुछ अपडेट? बड़ा सवाल सामने निकल कर आया था कि जिस समय ये लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई थी उसमें जो है काफी गंभीर आरोप पूर्ववर्ती सरकार पर लगे थे कि ऐसे में कि अपने अधिकारियों द्वारा अपने नाम लिखे और कुछ नेताओं के भी नाम उसमें थे, तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो आज की सीबीआई की रेड है इससे कुछ बड़े खुलासे भी शाम तक होने की संभावना देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है, आप निगाह बनाए रखिए। मनोज बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे, साल 2021 में हुए सीजी पीएससी भर्ती घोटाले में अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। आज सीबीआई की टीम ने सुबह से ही रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, भिलाई समेत कई शहरों में दबिश दी है और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग घोटाले की जांच कर रही है। सीबीआई पीएससी के इस छापेमारी पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में माफिया राज ने पीएससी में भ्रष्टाचार कर युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। अब सुशासन के दौर में भ्रष्टाचारी बेनकाब होंगे, युवाओं के साथ अन्याय नहीं चलेगा, उन्हें न्याय मिला। तो सुशासन के दौर में भ्रष्टाचारी बेनकाब हो गए हैं, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ये ट्वीट किया है और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मनोज शुक्ला का, जो कि रायपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, क्या कुछ अब सियासत भी तेज हो चली है, एक तरफ सीबीआई रेड कर रही है, सीबीआई की छापेमारी लगातार कई शहरों में जारी है, उसके बाद अब एक सियासी ट्वीट भी सामने आता है मनोज। मनोज आपको आवाज मिल रही है? मनोज जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता देते हैं कि वित्त मंत्री चौधरी ने एक ट्वीट किया है जिसके बाद सियासी हलचल भी तेज है। दूसरी तरफ लगातार सीबीआई कई शहरों में रेड मार रही है और लगातार सियासी हलचल भी इस पूरे छापेमारी पर तेज हो चली है। खबरों बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में शिक्षकों की कमी को लेकर सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि शिक्षा मंत्री ने 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने को कहा था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार ये कहे कि पहले नहीं हुआ,
मैं भी नहीं करूंगा तो ये गलत है। पूर्व मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बयान की सबको नौकरी नहीं मिल सकती पर भी हमला बोला। कहा आज प्रदेश के हालात ये हैं कि 8वीं 10वीं के 50% बच्चे किताब पढ़कर नहीं बता पा रहे हैं कि किताब में क्या लिखा है। वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था को भी लेकर बेहाल बताया है, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहाल बताते हुए नजर आए हैं कांग्रेस के नेता। और शिक्षा मंत्री जी ने तो 33 या 32 या 36 हजार पोस्ट के लिए कहा, मेरा ये मानना है कि समस्त पद करना चाहिए। कांग्रेस के समय भी सरकार नहीं कर पाई तो वो मैं कमी मानता हूँ। डॉक्टर्स की, नर्सेस की, टेक्नीशियंस की अगर कांग्रेस की सरकार भी पूरी नहीं कर पाई तो वो भी एक कमी मानता हूँ। कोई भी सरकार की पहले नहीं हुआ तो हम भी नहीं करेंगे, ये गलत है। पहले कोई कमी रह गई तो अब आपको मौका मिला है, आपको उसको पूरा करना है। और ये दो विभागों में एक तरफ क्या मांग है, हमको रोजगार चाहिए। जो मंत्री जी ने कहा कि भाई सबको रोजगार नहीं मिलेगा वो अपने अलग बात, तो इतना तो रोजगार मिले। और उसमें भी रोजगार प्राथमिकता नहीं है मेरे नजर में सेवा प्राथमिकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध होनी चाहिए नागरिक को, और उसका समझिए क्या कहते हैं एंसिलरी यूनिट मान लीजिए कि वो रोजगार भी दे रहा है हमारे युवतियों को और युवाओं को जो पढ़े लिखे हैं, जिनको वो जगह पे काम करने का मौका मिल सकता है। खबर में बढ़ते आगे, राजधानी रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज में एक विवाद के चलते भारी हंगामा हुआ। एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच पोस्टर फाड़ने को लेकर शुरू विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस के सामने ही दोनों छात्र संगठनों के नेता आपस में मारपीट करने लगे। दोनों संगठनों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर पोस्टर फाड़ने का आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद मामूली बहस बढ़कर झगड़े में तब्दील हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची। कोतवाली पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास भी किया, लेकिन छात्र इतने आक्रोशित थे कि उन्हें पुलिस को भी नहीं बख्शा। बीच बचाव के दौरान पुलिस कर्मियों को भी लात घूंसे पड़े। इस घटना में कॉलेज परिसर में तनाव का माहौल है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबरें बढ़ते आगे, खबर बलौदा बाजार से है, जहां जिला कलेक्ट्रेट में छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक, जिला प्रशासन की ओर से पुलिस अधीक्षक राजेश श्रीवास्तव, महिला और बाल विकास की सदस्य मोनिका तिवारी ने महिलाओं पर उत्पीड़न की जन सुनवाई का आयोजन किया गया है, जिसमें 34 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। महिला के उत्पीड़न पर कार्रवाई की गई है और कई प्रकारों पर आपसी सहमति व्यक्त की गई है। बलौदा बाजार में यह 34वीं जन सुनवाई महिला छत्तीसगढ़ महिला आयोग द्वारा की गई है। आपको बता दें कि आयोग के द्वारा जो फैसला दिया जाता है उसे न्यायालय में भी चुनौती नहीं दे सकते हैं, केवल हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। नंबर ये जन सुनवाई है और बलौदा बाजार जिले की लगातार 7वीं जन सुनवाई है। आज 34 मामले रखे गए थे और कई इम्पोर्टेंट मामले थे, जिसमें कि एक पटवारी को हमने जिम्मेदारी दिया है कि पूरे नामांतरण प्रक्रिया की जांच करे और जो व्यक्ति हकदार जिंदा है उन्हें मृत बता करके यदि नामांतरण किया गया है तो बहुत गंभीर मामला होगा। और एक मामले ने बहू को उसके पति की मृत्यु के बाद में पेंशन के और बाकी सब सुविधा के 12-14 लाख रुपए मिले हैं, अपने एक 7 साल के बच्ची के साथ वो अलग रह रही है, सास ससुर का भरण पोषण नहीं कर रही है, पर सास ससुर को जो 2-2.5 लाख मिले हैं उस पर भी उसकी नियत खराब थी, समझाइश दिया गया और प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया है। 66वें नंबर की जन सुनवाई है और बलौदा बाजार जिले की लगातार 7वीं जन सुनवाई है। आज 34 मामले रखे गए थे और कई इम्पोर्टेंट मामले थे, जिसमें कि एक पटवारी को हमने जिम्मेदारी दिया है कि पूरे नामांतरण प्रक्रिया की जांच करे और जो व्यक्ति हकदार जिंदा है उन्हें मृत बता करके यदि नामांतरण किया गया है तो बहुत गंभीर मामला होगा। और एक मामले ने बहू को
खबरें बढ़ते आगे, खबर रायपुर से है जहां अधिकारी और कर्मचारियों ने झनकर इंकार हमर सुनव सरकार के नारे के साथ महंगाई भत्ता और एरियर समेत सात सूत्रीय मांग को लेकर मंत्रालय से सचिवालय तक मशाल रैली निकाली है। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के पदाधिकारी राजेश चैटर्जी और कमल वर्मा ने बताया कि यह रैली अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले चरणबद्ध आंदोलन का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि 20 से 30 अगस्त तक सभी सांसदों और विधायकों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 11 सितंबर से जिला ब्लॉक तहसील स्तर पर मशाल रैली निकालकर प्रदर्शन भी किया जाएगा और 27 सितंबर को सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन होगा। मशाल रैली और चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों ने महंगाई भत्ता एरियर्स सहित सात सूत्रीय मांगों को जोर शोर से उठाया। इस बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया वॉइस।